में बहुत समय बर्बाद भी कर सकता था, लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं सीधे। देखो कोई भी तीन आइटम है ए बी सी, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, मान लो लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है सबको पता है पहले भी, फिर भी बता रहा हूँ, इनका जो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखो ये बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता हो, देखो एक रिपल्शन यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होता है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और सबसे आखिरी में क्या आएगा आपका, बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्शन को याद रख लो सीधे सीधे, इसको कोई ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं, बस इसको याद रखो। आपको पता है अच्छे से कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, देन बॉन्ड पेयर का। तो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो अभी, अब एक और बात इंपॉर्टेंट समझ लो, ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, बस ये बात याद रखो। समझ में आया सबको, ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि भाई तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन ही, टोटल इलेक्ट्रॉन तो छह हो गए ना, समझे, इसको डिवाइड भी करो तो तीन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एटलीस्ट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो तीन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा ट्रिपल बॉन्ड का, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, सुनो अच्छे से, ये क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन सी, कैसे पी ले लेता हूँ, पी सी एल ले लेता हूँ, मान लो पी ले लिया, पी ये तो पॉसिबल नहीं, सल्फर ले लेता हूँ, ये देखो ये वाला ही सपोर्ट, इधर ले लेता हूँ मैं सी डबल बॉन्ड। इन दोनों में से उन्होंने पूछा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों में से कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा और कौन सा बड़ा, अल्फा वन और अल्फा टू, बोलो कौन छोटा कौन बड़ा, पहले बताओ बड़ा कौन सा इनमें से, छोटा बताओ, छोटा कौन छोटा है, ए और बी बता दो, ए और बी में से बताओ कौन छोटा है, ए और बी में से छोटा वाला बताओ। देखो रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा लगेगा, इधर लगेगा ज्यादा, मोर रिपल्शन, सर ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है तो जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा बॉन्ड एंगल आपका कम होगा, तो ए से बड़ा होता है बी, तो ए होगा आपका छोटा, क्लियर है, बताओ जल्दी, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये वाला एग्जांपल बताओ, मैं ले लेता हूँ, ए डबल बॉन्ड बी सी डी, ए लोन पेयर सी और डी, बोलो कौन बड़ा कौन छोटा, ए और बी में बताओ, ए और बी में से कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा, छोटा बताओ, छोटा ए और बी में से स्मॉल कौन सा होगा, मैसेज करो। ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का लगेगा, ज्यादा रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड एंगल होगा कम, तो बी छोटा होगा आपका और ए बड़ा होगा। चलो इस तरह के क्वेश्चन में अभी एग्जाम्पल तो बहुत करेंगे भाई, एग्जाम्पल के इसके मजा नहीं, सुनो अभी मैं बता रहा हूं उस बात को समझो, एस पी का बॉन्ड एंगल होता है 180, एस पी टू का होता है 120, एस पी थ्री का होता है 109, समझ में आ रहा है ना, आप समझो, और ड्रैगो कंपाउंड का होता है 90 डिग्री, ड्रैगो का होता है 90 डिग्री। भाई पहली बात ये सबको क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, ये वाले चार्ट क्लियर है सबको, सबसे पहला सेंटेंस बोलो जल्दी, चलो क्लियर है, सुनो अभी अच्छे से। अब देखो इसीलिए बोला हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट, अब बॉन्ड एंगल के लिए आपको अगर किसी का बॉन्ड एंगल चेक करना है ना बच्चों, हाँ उससे पहले मुझे एक बात बतानी आपको, एन बी पी आर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इस चीज को समझो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक 5 मिनट का टॉपिक है इसको खत्म कर लेते हैं, वरना बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ठीक है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मतलब क्या है बच्चों, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, देर क्लोरीन है, देर लोन पेयर है, और क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है तीन, सुनो अभी अच्छे मजे की चीज देखो, ये दो थे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन थे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि सुनो, जो कि यहाँ पे जो कि बॉन्ड एंगल क्या कर रहे थे, वो तो कम कर रहे थे ना, इधर इधर ढकल के कम कर रहे थे ना, तो ये विस्पर लगा रहा था, ये विस्पर थ्योरी थी, ये वाली विस्पर थ्योरी थी, लेकिन याद रखना
सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्शन करे, बोलो हाँ या ना, ये रोल पेयर का भी रिपल्शन हो, और इसी रिपल्शन को बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये वाला जो रिपल्शन होता है ना, ये वाला बाहर वाला, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, इसको बोला जाता है नॉन बीपीआर। और ये क्या करता है, आपका थीटा बढ़ाता है। समझ में आया? देखो ये बोल रहा है बाहर की तरफ ढकलूंगा, ये बोल रहा है मैं अंदर की तरफ ढकलूंगा, मतलब जो विस्पर है वो बोल रहा है मैं बॉन्ड एंगल घटाऊंगा, और नॉन एनबीपीआर बोल रहा है कि मैं बॉन्ड एंगल बढ़ाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा कि एनबीपीआर और वीएसीपीआर इक्वल हो जाएंगे, वीएसीपीआर का फोर्स और एनबीपीआर का फोर्स इक्वल हो जाएगा, और वहां पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा उसी को, या मतलब जो बॉन्ड बनेगा उसी को हमने नाम दिया बॉन्ड एंगल। तो सबको समझ में आ गया, बॉन्ड एंगल कौन डिसाइड करता है बोलो? विस्पर और एनबीपीआर। जब एनबीपीआर और विस्पर दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, उसी फोर्स को हमने, उस टाइम को जो एंगल बनेगा उसी को हमने नाम दिया बॉन्ड एंगल। एक बॉन्ड एंगल बढ़ाता है और दूसरा बॉन्ड एंगल घटाता है। बोलो क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? अब क्वेश्चन आएगा सर, एनबीपीआर कब शो होगा, कब पहचाने कि किस मॉलिक्यूल में एनबीपीआर होगा? तो भाई सुन लो, एनबीपीआर अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, सबसे पहले कंडीशन आई हाय sp3 हो, सुनो अच्छे से, और साइड एटम आपका थर्ड पीरियड का हो या उससे ज्यादा हो, साइड एटम आपका थर्ड पीरियड का होना चाहिए या बड़ा वाला होना चाहिए, मतलब CH3 इथाइल ग्रुप, समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक ग्रुप, या तो ये वाला हो। सुनो वापस से बोल रहा हूँ, एनबीपीआर कब डोमिनेट करेगा, मेरा क्वेश्चन ये था कि एनबीपीआर कब डोमिनेट करेगा विस्पर से, मतलब सर कब एनबीपीआर होगा कब विस्पर होगा? तो विस्पर हमेशा तो विस्पर ही होता है, हमेशा तो विस्पर ही होता है, लेकिन एनबीपीआर कब होगा? हमेशा तो बॉन्ड एंगल घटता ही है, लेकिन एनबीपीआर कब होगा? जब जब सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और साइड आइटम आपका कौन होगा बोलो? थर्ड पीरियड का होगा, या फिर ये वाला कोई होगा, ये वाला कोई होगा, मतलब बल्कि ग्रुप, तब एनबीपीआर होगा। और अगर एनबीपीआर हो तो इसका बॉन्ड एंगल sp3 में, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एनबीपीआर हो ना तो इसका बॉन्ड एंगल sp3 में सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया सबको? मैं sp3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ sp3 की। अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से देखो, एनबीपीआर कब होगा? पहली बात, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, साइड एटम थर्ड पीरियड का चाहिए, चलो ठीक है, साइड एटम थर्ड पीरियड का है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तीसरी बात, sp3 में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? जहां पे एनबीपीआर होगा। बच्चों क्लियर है? जल्दी बोलो आया ना, क्लियर है? एनबीपीआर का एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ओ CH3 टू टाइम्स, देखो ये इथर है, अरे भाई इथर में एनबीपीआर होता है भाई। आप एग्जाम्पल बात समझो, CH3 ओ CH3 लोन पेयर, आप बोलोगे सर जी, सर जी मजा आ गया, सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बोलो ठीक है, साइड आइटम आपका बल्की है सर, यहाँ पे एनबीपीआर डोमिनेट होगा, एनबीईपीआर डोमिनेट होगा। मुझे बताओ sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? जनरली जनरली 109 होता है, लेकिन एनबीपीआर आने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है 110, जो कि ईथर के केस में दिखा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? ईथर में बॉन्ड एंगल 110 होने का रीजन आज समझ में आया सबको, ड्यू टू एनबीपीआर। क्लियर है? एनबीपीआर की वजह से थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ा है उसका 109 से। बच्चों क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे अभी। अब मैं आपको सिखाऊंगा बॉन्ड एंगल किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। और हाँ याद रखना, ड्रैगो कंपाउंड चेक करना, जो ड्रैगो है उसका सबसे कम है 90 डिग्री, अरे है 90 डिग्री के आसपास होगा, मतलब सबसे कम। तो बॉन्ड एंगल में ड्रैगो कंपाउंड को भूल मत जाना, ड्रैगो कंपाउंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, ठीक है? अब बॉन्ड एंगल को सर कंपेयर कैसे करें, तो याद रखना मैं कुछ बहुत बातें बता रहा हूँ उसको याद रखो। सबसे पहली बात, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर sp रहा तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, देन sp2, देन sp3, और सबसे कम किसका होगा? ड्रैगो का। भाई पहला ऑर्डर समझ में आया सबको, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम, मैसेज करो। इसके बाद अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बच्चों, तो दूसरी चीज क्या चेक करो कि सर लोन पेयर तो नहीं, ऊपर वाला मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा ना, लोन पेयर अगर हो
तो लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, मतलब लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। बोलो क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? दूसरी चीज क्या चेक करनी, पता चल गया सबको, लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। तीसरी चीज क्या चेक करनी है आपको, आपको तीसरी चीज चेक करनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। इसको देखो, याद रख लो इस पॉइंट को। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, सोचो, मैंने बताया था फ्लोरीन अटैच होने के बाद, फ्लोरीन अटैच होने के बाद एस कैरेक्टर कम होता है क्योंकि इट इज एस नॉन फाइल, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, एस नॉन फाइल। अगर एस कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई साइड एटम की, यही बात, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, ये पॉइंट को याद रख लो, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। भाई समझ में आ रहा है सबको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एटम डिक्रीजेस। भला अगर साइड एटम भी सेम है तो फिर चलेंगे सेंट्रल एटम की तरफ। अब ये क्या बोलता है, देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। इतने पॉइंट आपको याद हो गए या नहीं, पहले मैसेज करो, चार पॉइंट आपको याद हो गए या नहीं सब बताओ, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया मैं वापस बता रहा हूं। पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर देखो, लोन पेयर सेम है तो सेंट्रल साइड आइटम देखो, फिर सेंट्रल आइटम देखो, साइड आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, समझ रहे हो? और भाई जब sp3 आ गए ना तो एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना NBPR तो नहीं, NBPR तो नहीं, ये वाली चीज चेक कर लेना, समझो। अभी देखते हैं, देखो सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, साइड आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। आइए बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर वन, BeCl2 BH3 BF3, इनमें कंपेयर करो, ABC ABC, आप बताना है सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका, ज्यादा से कम का ऑर्डर बताओ, ज्यादा से कम का, मैं पानी पी के आया तब तक, ठीक है ना, ज्यादा से कम का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। देखना, वो देखना चाहता हूं मैं किस किस ने क्या जवाब दिया। हाँ अभी तक BAC। चलो कोशिश की, चलो आप शुरू कर देते हैं, हम शुरू करेंगे, अभी हम शुरू करेंगे। सर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सर आपने बोला था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो सर पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बोलो जल्दी सर, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस है, अरे बेरिलियम के पास, सॉरी बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है, बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, दो बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास तीन होते, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp, इसका sp आएगा सर, सर इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, सर BF3 का भी आएगा sp2। चलो वेरी गुड, चलो ये बात तो क्लियर है सर, ये तो मजा आ गया सर, सबसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व, सबसे ज्यादा होगा BCl3 का, ये तो क्लियर है सर, क्योंकि 180 आएगा इसका, इसका 120 आएगा, इसका भी 120 आएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है? अब इन दोनों में आता है कंफ्यूजन, सर अब क्या करें? अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अरे साइड आइटम सेम है सर, तो क्या ही रिपल्शन होगा किसी का, अगर साइड लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, अगर साइड आइटम सेम है ना, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, तो भाई दोनों के बॉन्ड एंगल भी सेम आएंगे, ये वाली बातें क्लियर कर लो। इसका साइड आइटम हाइड्रोजन है, इसको तीन फ्लोरीन है, तो कुछ क्या रिपल्शन लगेगा भाई, यहाँ पे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वो 120 पे मेंटेन करेंगे। अरे तीन ब्लू कलर के बलून है, तीन ब्लू कलर के बलून है और तीन येलो कलर के बलून है, नहीं वो मत मत मत, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं देख, मैं बताता हूँ ना एग्जाम्पल कहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है, सब बताऊंगा। साइड आइटम सेम है भाई, तीन बलून यहाँ पे है, इस बोरॉन के साथ तीन छोटे बलून है, अरे बलून तो बलून ही रहेंगे, मतलब वो एंगल तो मेंटेन ही करेंगे ना अपना,
इसमें रिपल्शन क्या लगेगा? हाँ, अगर मैंने एटम बदल दिया, याद रखना, अगर मैंने एटम चेंज कर दिया, Cl2 लिख दिया, तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है बॉन्ड एंगल में, लेकिन अगर तीनों बॉन्ड एंगल्स मतलब तीनों एटम सेम है, साइड एटम अगर सेम है तो दोनों का बॉन्ड एंगल सेम आएगा। मैं एग्जांपल अभी आने वाले, इन दोनों का बॉन्ड एंगल बच्चों सेम आएगा, बोलो क्लियर है? इन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम आएगा, बोलो क्लियर है ये बात? अब सुनो, सारी चीजें क्लियर होगी बच्चों, वेट कर लो, वेट कर लो, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा मैं। ये देखो, अरे आदिति थोड़ा होल्ड कर ले, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा वेट करो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीजें क्लियर होगी। CH4 हो, CF4 हो, CCl4 हो, अरे ये दो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चार एटम है, इधर भी चार एटम है, ये भी चार, सारे इक्वल है ना रे, तो रिपल्शन इक्वली फील करेगा ना ये, या ऐसा थोड़ी है? देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो चार, चलो अब आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों इक्वली मतलब ये दोनों जो फील कर रहे, ये दोनों वही फील करेगा ना रिपल्शन, ज्यादा कम थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, रिपल्शन तो ये दोनों सेम फील करेंगे ना, समझ में आ रहा है आपको? तो बॉन्ड एंगल सेम ही रहेगा ना। सिमिलरली देखो, अभी CH4 हो, CF4 हो, CCl4 हो, सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे आपके। NH4+ हो, देखो यहाँ पे भी चेक कर लो सर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, sp3 आएगा, sp3 आएगा, sp3 आएगा, और साइड आइटम सेम है सर, तो सबके बॉन्ड एंगल क्या आएगा बच्चों, बोलो जल्दी, सबके बॉन्ड एंगल आएंगे सेम, 109 डिग्री 28 मिनट। सारे एग्जांपल क्लियर कर दूंगा मैं, थोड़ा सा होल्ड कर लो, इनके सबके बॉन्ड एंगल क्लियर है सबको, साइड आइटम सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है भाई, ये याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सबके साइड आइटम भी सेम है, मतलब चारों के चारों सेम है, तीनों के तीनों सेम है। देखो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, अभी बस आप चेक करते जाओ, मैं आपको बताऊंगा किसमें कंपैरिजन करना है किसमें नहीं करना, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, इन सबके बॉन्ड एंगल सेम आने वाले हैं, अगर इन दोनों में भी पूछ ले, आप क्या पूछेंगे ना, एग्जामिनर इतना पागल नहीं कि इनमें पूछेगा, उसको पता है रियलिटी क्या है, ठीक है? आप देखो आगे बढ़े, बोलो यहां तक सबको क्लियर है? अगर साइड आइटम सेम है सारे, लोन पेयर जीरो है, ये भी बात याद रखो, किसी पे भी लोन पेयर नहीं है, साइड आइटम सब सेम है, तो बॉन्ड एंगल सबका इक्वल होगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो H2, NH3, OCl2, भाई अब आएगा मजा, अब मजा आएगा। सबसे पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन, पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या है, बोलो सबसे पहले निकालो, वाटर का बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर का बोलो रे, वाटर का जल्दी बोलो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2, ऑक्सीजन है रे, 6 और 8 sp3, नाइट्रोजन का बताओ, अमोनिया का sp3, OCl3 का, OCl2 का बताओ, sp3 आ रहा है सबका sp3। अब हम हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है सर, सर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, चलो ठीक है सर, अब गड़बड़ हो गई सर, हाइब्रिडाइजेशन से रे सर दिक्कत आने लग रही है सर, अब क्या करें सर? मैंने बोला था अगर sp3 तो NBPR चेक करेंगे, तो बोलो NBPR कहाँ पे लग रही है, क्या तीनों में NBPR है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या किसी को NBPR है क्या, ABC में से किसमें है, कहाँ पे बोलो? तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा OCl2, चलो क्लियर है सबको, वेरी गुड। मतलब हमने पहला देखा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने देखा NBPR, उसके बाद हम लोन पेयर देखते, बोलो किसके पास ज्यादा लोन पेयर है, किसके पास ज्यादा लोन पेयर है, बोलो लोन पेयर किसके पास ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, बोलो ये वाला कंपैरिजन सबको समझ में आया, मैसेज करो सब, बोलो क्लियर है, मैसेज करो सबको क्लियर है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो और जवाब देते रहो। चलो नेक्स्ट, आप इसमें से बताओ, देखो अब मजा, अब आएगा मजा, PH3 H2S, ए रुको, PH3 AsH3 और H2S, अब इन तीनों में अब आएगा ना मजा, ये वाला क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व किया ना तो मान जाऊंगा मैं। पहले बताओ सबसे ज्यादा किसका है, बस इतना बता दो, इनमें से सबसे ज्यादा किसका है,
अब आप बोलोगे सर ड्रैगो है तो ये इसका 91, नहीं भाई, किसी का 90 है, किसी का 91 है, किसी का 92 है, 90 के आसपास होगा इन सब का। आप बताओ सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका? अब बता दो रे, जल्दी बताओ, आप बताओगे तब मजा आएगा, सुकून मिलेगा, सुकून। मैं बता दू सबसे कम, सबसे कम बताया, सबसे ज्यादा बताया, सुनो अभी देखना अच्छे से, मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल, तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं सर इसमें, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही होता नहीं सर। चलो ठीक है सर, ड्रैगो है, सर ड्रैगो है तो सर नेक्स्ट बात ही सुनो रे, मैसेज मत करो पहले सुन लो सर, अगर ड्रैगो बात जब सुनो अभी, चलो ड्रैगो है तो सर, अगर ड्रैगो है तो इक्वल होना चाहिए सबका, लेकिन इक्वल नहीं है सर, कंपैरिजन पूछा है। चलो ड्रैगो तो छोड़ दिया, उसके नीचे आ जाओ सर, लोन पेयर किसके पास कितने हैं? तो आप बोलोगे सर फॉस्फरस के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के नीचे आता है, आर्सेनिक पिक के पास भी एक लोन पेयर, लेकिन सर सल्फर के पास दो लोन पेयर, तो बताओ सबसे कम किसका आएगा? सर सबसे कम आएगा H2S का, ये सबसे कम आएगा। बच्चों क्लियर है? सबसे पहली बात बोलो, यहां तक की बात है सबको क्लियर है? मैसेज करो, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, चलो सर ये तो ठीक है, H2S का सबसे कम है सर, लोन पेयर सेम है, लोन पेयर के बाद देखते हैं, सुनो लोन पेयर के बाद हम क्या देखते बोलो? अरे मैंने पहले बोला है कि सब ड्रैगो है, सारे ड्रैगो है, लेकिन अगर उन्होंने इसमें से भी पूछ लिया तो कैसे करने में वो पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप? इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट छोड़ दो, अगर सब ड्रैगो है तो लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर तो रहेंगे ना इनके पास, तो इसके पास दो लोन पेयर है तो ये सबसे कम आएगा। अब इन दोनों में चेक करो, चलो इन दोनों में हमने चेक किया सर, देखो अब क्वालिटी देखो क्वेश्चन की, सर दोनों भी ड्रैग हुए ठीक है, सर लोन पेयर भी सेम है चलो ठीक है, सर साइड एटम भी सेम है चलो ठीक है, लेकिन सर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो अभी, क्योंकि साइड एटम तो सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है बोलो? फॉस्फरस और आर्सेनिक में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फॉस्फरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा, बताया था मैंने, बताया था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा PH3 में, देन आएगा SH3 में। अब देखो इसका होता है 90, 90 के आसपास, 91, इसका होता है 90, नहीं सॉरी इसका होता है 90, इनका कम होता है, इनका कम होता है ठीक है ना, ये बात याद रख लो, वो छोड़ दो 90 वगैरह वो देख लेना, लेकिन क्लियर है? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको किस तरह से सॉल्व करना था? मैसेज करो सब हाय आना, क्लियरली बताओ क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड, अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ थोड़ा सा और, अब देखो अब आपको दिमाग लगाना है, अब आदित्य तेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, जब लोन पेयर आती है ना तब आपको वो वाली चीज सोचनी पड़नी, कौन सी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली। अब देखो लोन पेयर आने के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, CF3 NH3 NCl3। अब बताओ, अब आप बिंदास लगा दो, अब जो आप सोच रहे थे ना यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर वर्क करेगा, और साइड एटम कितने भी सेम हो, साइड एटम कितने भी सेम हो, सर लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब समझ में आया आदिति? यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपका यहाँ पे जो रूल बताए वो लगा सकते हो, बताओ अभी इनमें से बताओ सबसे ज्यादा कौन, और सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलो सब हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, NF3 का बताओ, वेरी गुड। अब बताओ सबसे ज्यादा, अरे भाई SP3 आ गया सर, तो सर NBPR तो चेक कर ले हम, बोलो NBPR लग रहा है यहाँ पे कहीं पे, NBPR लग रहा है क्या, जल्दी बोल दो, NBPR लग रहा है क्या यहाँ पे बताओ, NBPR, वेरी गुड, NBPR 100% लग रहा है सर। सर तीसरे एग्जाम्पल में देखो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 है और क्लोरीन आपके थर्ड पीरियड का है, बोलो क्लियर है? क्लोरीन आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सर, NBPR लगेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है बताओ, अभी सबसे ज्यादा किसका है बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा इन सब में, क्लियरली बोल दो,
एन सी एल, एन सी एल थ्री, ये बन गया आपका एन सी एल थ्री। चलो सबसे ज्यादा तो एन सी एल थ्री लोन पेयर है, इसलिए देखो लोन पेयर का फंक्शन ये सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में से चेक करो रे, देखो आप बताता हो सर, आप देखो सर हाइब्रिडाइजेशन सेम, सर साइड एटम की, अब साइड एटम डिफरेंट है, अब लगाओ दिमाग, पहले साइड एटम देखो उसके बाद सेंट्रल एटम देखो, पहले साइड एटम देखो सर, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो सबसे कम कौन आएगा NF3, उसके बाद आएगा NH3। भाई क्लियर है, मजा आ गया, बोलो जल्दी, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, बोलो मैसेज करो जल्दी से मैसेज करो, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इधर, कोई दिक्कत अभी, अब यहां पे मत देख लेना, यहाँ पे मत देख लेना सर, देखो यहाँ पे इन सबका सेम हो जाएगा, यहाँ पे मत देख लेना बच्चों की, इन सबका सेम हो जाएगा भाई, याद रखना यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस लिए है, फिर यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों, अब क्लियर है, वहां पे जो इसके इसके पहले का जो केस था ना बच्चों, ये NH4, NF4+ मान लो, NH4+ मान लो भाई, यहाँ पे लोन पेयर नहीं थी तो सबका बॉन्ड एंगल सेम आ रहा था, यहाँ पे लोन पेयर नहीं थी, यहाँ पे लोन पेयर नहीं थी तो सबका बॉन्ड एंगल सेम आ रहा था। हाँ बोलो क्या डाउट है अभी, मुझे देखने दो, अब बताओ क्या डाउट है, NH3 और NF3 का फिर से बताओ क्या, सुनो बता देता हूँ, NH3 और NF3 बता दे, रुको पहले ये डाउट क्लियर कर, पहले बात बताओ सर इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चलो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है सर इनके पास, उसके बाद हम देखते, देखो भाई अब मुझे बताओ खुद से, बताओ खुद से, हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद, लोन पेयर देखने के बाद हम किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, पहले बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी देखते हैं, हम साइड एटम की देखते हैं सेंटर एटम की देखते हैं, सबसे पहले टाइप करके बताओ हम क्या देखते हैं, साइड एटम की देखते हैं, अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है, समझ में आया, ये लिख के दिया मैंने ऑलरेडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, तो किसका कम, NF3 का कम और NH3 का ज्यादा, साइड आइटम के ऊपर डिपेंड है, बताओ अभी, और रुको अभी मुझे मैसेज पढ़ने दो, हो गया क्लियर, जिनका डाउट था उसको क्लियर हो गया, रुको देखने दे मुझे, ओके ये और एक क्वेश्चन, आदित्य अभी क्लियर है तेरा भी, बताओ जल्दी, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड, हाँ साइड एटम, साइड एटम पहले देखते, ये इनवर्स होता है बॉन्ड एंगल को, अगर ये बढ़ा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, रुको बता देता हूँ, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ हम लगे एक एक मिनट में चेक कर देंगे, देखो बी ए और ये, यहाँ पे ये वाला और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेंगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये वाली चीजें भी याद रख लेना, ये अभी बताया मैंने, सुनो अभी क्वेश्चन सर, PF3 और सर PH3 और PF3 में क्या किस्सा है, क्या मतलब क्या है सर, तो भाई क्लियरली बताओ, ये ड्रैगो है क्या, नहीं है ये ड्रैगो, नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, PF3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, भाई ड्रैगो नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, SP3 आएगा लोन पेयर है सर, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा सर 5 और 3 8, मतलब SP3, समझ में आया, लेकिन सर ये ड्रैगो SP3 मतलब कितना बॉन्ड एंगल, 109 के आसपास आएगा सर, और सर PF3 मतलब कितना आएगा सर, 90 के आसपास, तो बताओ कौन ज्यादा है, PF3, दमयंती क्लियर है अभी डाउट, बोलो डाउट क्लियर है तेरा एकदम अच्छे से, चलो क्लियर है, तो ऐसे देखो अब आपको बस वही चीज याद रखनी है, क्या पढ़ाया था मैंने सबसे पहले, मैंने पढ़ाया था सब कुछ पढ़ाया था, अब क्या बताओ, लेकिन अब जो देखो वो चार लाइन याद रखनी है आपको, क्या हाइब्रिडाइजेशन देखो, लोन पेयर देखो, साइड आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो देखो, और क्या देखो सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया ना तो मैं मानू, गंदा वाला NO2 निकाला रे मैंने, NO2, NO2+, चलो ठीक है NO2-, भाई ये वाला अगर आपने सॉल्व कर दिया ना मान लूंगा NO3- कि आपने बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी है NO2, और भाई यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुद कुद के, इन चारों को अगर आपने कंपेयर कर दिया ना तो मैं बॉन्ड एंगल पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, इसको पहले सॉल्व कर दो, और सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बता दो, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा और मिनिमम किसका होगा, दोनों बता दो,
भाई मान जाऊंगा मैं। आज लेक्चर थोड़ा लेंदी चल रहा है, देखो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, सबको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन आ जाएगा ना अभी अच्छे से, जल्दी बताओ। आप घर पे जाके ट्राई कर लेना, ठीक है? आप घर पे जाके ट्राई कर लेना अभी बाकी क्वेश्चन। अभी बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन आप कर लो, बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर के, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएंगी। मिनिमम एनओ टू माइनस का, चलो आपका आंसर लिख देता हूँ, मिनिमम होगा एनओ टू माइनस का। देखते हैं अभी किसका मिनिमम, एनओ टू माइनस बोला है लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबसे पहले, लुको जल्दी जल्दी निकालो। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एनओ टू प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सर पायो माइनस वन फोर, 4/2 कितना एसपी, मतलब 2 आएगा तो इसका आएगा सर एसपी हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है भाई, इसका बताओ एसपी टू, इसका बताओ एसपी टू, इसका बताओ, इसका बताओ भाई, इसका तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन ही, लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ मैं, NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन। अब आएगा ना मजा, तो सर सबसे ज्यादा तो होगा सर NO2 प्लस का, तो सर इसको हटा दो, हटा दो बच्चों, ये बात समझ में आई? सबसे ज्यादा इसका एसपी है तो सबसे ज्यादा, ये बात समझ में आई सबको? 180 होगा इसका, 180 के आसपास बच्चों, क्लियर है सबको? मैसेज करो हाँ या ना। हटा दो उसको, मैं निकाल दू रेस से बाहर, निकाल दिया इसको, निकाल दिया। लेकिन सर अब एसपी टू आ गया, अरे एसपी टू में एनबीपीआर मत चेक कर लेना, वो एसपी थ्री में होता है, ठीक है ना? अब सर इनमें कैसे कंपेयर करें, सर इनमें कैसे कंपेयर करें, सर दो एसपी टू है, अब क्या करें सर? अब मजे देखो, आप सुनो सुनो अभी अच्छे से, सर कंपेयर तो करना है सर, सर साइड आइटम भी सेम है भाई, साइड आइटम भी सेम है सर, सेंट्रल आइटम भी सेम है सर, साइड आइटम भी सेम है, सेंट्रल आइटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब सेम है, करे तो करेगा। सही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पकड़ा ना मैंने? बोलो बच्चों क्वेश्चन तो सही पकड़ा ना सर? देखो क्वेश्चन क्या था, और सारे बच्चे मतलब क्या बोल गलत कर देते रे, बहुत गलत कर देते। सुनो हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, साइड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सेंट्रल आइटम सेम, लेकिन एक चीज हमने मिस कर दी, जो आता है लोन पेयर। समझ में आया बच्चों? एक चीज कौन सी मिस कर दी, लोन पेयर। अब उसी को पकड़ेंगे हम, जो कि इनमें डिफरेंस है, समझो। अभी इस सबको निकालेंगे हम, सबके स्ट्रक्चर निकालेंगे, पहले NO2 को निकालते हैं। सुनो पहले निकालते हैं NO2 को, तो NO2 किस तरह से दिखता है, तो आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है सर, पहले ज्योमेट्री देखो sp2 है, तो ये वाली ज्योमेट्री आ गई सर, सर ये ऑक्सीजन नंबर वन, और सर ये दूसरा ऑक्सीजन, सर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, देखो ये दो इधर दो इधर, 4 और एक बचा हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो दिस इज योर NO2, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, तो NO2 का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन 5 इलेक्ट्रॉन होते, दो इसको डोनेट किए, दो के साथ बॉन्ड बनाया 4 और बचा हुआ एक। बोलो ये वाला क्लियर है सबको भाई? मैसेज करो NO2 का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना। NO2 माइनस में क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, NO2 माइनस में क्या होता है सर? एक ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है सर, अरे हाय सर, एक ऑक्सीजन पे सर माइनस, सर दूसरा ऑक्सीजन एज इट इज, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3 और बोलो 4 5, ये बन गई लोन पेयर। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ कैसे स्ट्रक्चर निकालते, किस तरह से निकालते, ये हो गया आपका लोन पेयर। NO2 माइनस और NO2 का डिफरेंस समझ में आया सबसे पहले बताओ हाँ या ना? NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है NO में। मैंने बताया था नाइट्रोजन अपना लोन पेयर या तो डोनेट करेगा, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन देगा वो, या तो लोन पेयर को एज इट इज रखेगा। NO2 माइनस और NO2 का डिफरेंस क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना। अब NO3 माइनस, देखो सर नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है सर, 1 सर 2 और सर 3, सर एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, दूसरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर डोनेट कर दी, दूसरे को बनाया सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से, तो हमें देखो समझ में आ रहा है ना? तो देखो अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है सर, देखो 2 3 4 और ये वाला 5, इधर भी देखो 2, तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2, NO2 माइनस, NO3 प्लस। आप खुद से बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ और बताओ
कि सबसे ज्यादा इसको और अच्छे से निकाल देता हूँ मैं, इसको थोड़ा आपको समझने के लिए निकाल देता हूँ। ये हो गया आपका ये। हाँ अब तीनों में से बताओ, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा मैसेज करो, सबसे ज्यादा रिपल्शन आपका कौन करेगा? लोन पेयर। तो सबसे आखिरी में कौन आएगा आपका? NO2-, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। उसके बाद कौन आएगा बोलो, डबल बॉन्ड या सिंगल? अरे भाई इधर दो इलेक्ट्रॉन है, देखो इसको तोड़ के देखो सर, इधर दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन सर इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन डबल बॉन्ड का लगेगा या एक इलेक्ट्रॉन का लगेगा? तो आप बोलोगे सर उसके बाद आएगा NO3-, इसका रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और सबसे आखिरी में आएगा आपका सबसे ज्यादा NO2, और उससे ज्यादा कौन आएगा आपका, आप भी पढ़ा है हमने, NO+। बोलो क्लियर है सबको, ऑर्डर क्लियर हो गया सबको, बोलो जल्दी। विस्पर वगैरह सारी चीजें मिक्स कर दी मैंने यहाँ पे, सब बताओ। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर करेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड का रिपल्शन होगा, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का। तो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बताया रुको, क्या है? हाँ सुनो भाई सुनो, मैं एक बार और बता देता हूँ, चलो अच्छे से देखो। सबसे पहले तो NO+, देखो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ NO+, ये बात तो सबको समझ में आ गई। चलो NO2+, ये तो सर बहुत आसान चीज बता दी आपने। इन तीनों में मुझे बताओ, इन तीनों में बताओ, देखो रिपल्शन कैसे होता है पता है बच्चों? ये वाले यहाँ पे देखो, रिपल्शन का क्या मीनिंग है कि सर इसको ऐसे ब्रेक करके देखो, दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, टोटल तो चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, दो इलेक्ट्रॉन नीचे, और यहाँ पे एक एटम के पास दो है, तो यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा दो इलेक्ट्रॉन का। मैंने बोला है लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे भी रिपल्शन होता है लेकिन लोन पेयर से कम भाई, दो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन दिखाएगा? NO2-, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। NO3- और NO2 में रिपल्शन ज्यादा किसका है? NO3 का रिपल्शन ज्यादा है, तो NO3 का बॉन्ड एंगल कम होगा एज कंपेयर टू NO2। आप समझ में आ गए सबको, रिपल्शन का काम तबाह के कुछ नहीं, सबसे ज्यादा इसको रटना मत भाई, गलती से भी रटना मत, खत्म हो जाएगा सब कुछ। NO2+ SP होता है, उसके बाद सबसे कम कौन आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ, NO2- आएगा सबसे कम लोन पेयर का रिपल्शन, उसके बाद सर आएगा NO3- डबल बॉन्ड का रिपल्शन, उसके बाद उससे कम आएगा सर NO2 लोन सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। बोलो क्लियर है, समझ में आया सबको बच्चों? क्लियर है सबको, मैसेज कर दो, ये वाला ऑर्डर याद रख लो, अगर नहीं भी ना इसको याद भी रखिएगा ना, एग्जाम में आ जाएगा। NO2, NO2- और NO3-, भाई याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सबसे ज्यादा NO2+ और ये NO2, ठीक है समझ में आया सबको? बोलो बॉन्ड एंगल में किसी कोई गलती कर दोगे आप, बॉन्ड एंगल में कोई गलती मत कर देना, ठीक है क्लियर है सबको? इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ बॉन्डिंग, दिस इज द एंड ऑफ बॉन्डिंग, समझ में आया? जो भी, चलो एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।